नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रश्नावली 3.5 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया। देखिए कहा जा रहा है नंबर वन क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, इसको आपको सबसे पहले जो समीकरण दिए गए हैं इसको सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा, जांच करना रहेगा कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल होगा तो उसको उसे क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि से बनाना होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये समीकरण जो है हमने लिख दिया पहला क्वेश्चन नंबर वन, वन का वन नंबर ले लिया। तो सबसे पहले दिया गया है, इसको हमने समीकरण को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से हम a1 b1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान एक हो गया, इसमें क्या सटा है 3, तो ये हो गया a2। इसमें क्या हो गया, b1 का मान -3 और b2 का मान -9 और c1 का मान -3 और c2 का मान -2। ठीक है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो यदि हमारे सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो आप अभी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो x में सटर रहेगा पहला वो a1 होगा, और इसमें दूसरी समीकरण जो x में सटर रहेगा वो a2 होगा। ठीक है, इसमें y में जो पहला सटा होगा पहली समीकरण में वो आपका b1, और दूसरे समीकरण में y में जो सटा होगा वो आपका b2, और यहाँ पे जो कोई कांस्टेंट अंक रहेगा उसको हम लोग c1, और दूसरी वाले समीकरण में जो होगा यहाँ पे कोई कांस्टेंट अंक उसको c2 बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम शर्त लगाएंगे। ठीक है, तो शर्त लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे शर्त क्या है, तो शर्त से a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर में लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए a1 का मान, a2 का मान, यहाँ पे b1, b2, c1, c2 का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भर लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा, -3/-9 और -3/-2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने वही भर दिया। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि खत्म हो गया। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से काट सकते हैं आप, 3 9। ठीक है, तो 1/3 1/3 और यहाँ पे देखिए 3/2 हो गया। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू हो गया। तो लिख सकते हैं कि चूंकि हमारा ये दोनों बराबर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ये हम आपको ये जो शर्त है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या किसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी दो समीकरण इस रूप में रहेगा, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 होगा। तो इसको हम शर्त के रूप में लिख सकते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि आपका ये दोनों नॉट इक्वल टू, या तीनों नॉट इक्वल टू दिखे तो आप उसका रेखा पूछेगा, तो प्रतिच्छेदी हल पूछेगा, तो अद्वितीय। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल टू अगर आ गया, या तीनों नॉट इक्वल टू आ गया, तो इसको हम अद्वितीय हल लिखेंगे, यानी कि केवल एक हल। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में नॉट इक्वल टू हो, यानी कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर दिखाई दे तो इसका कोई हल पूछेगा, तो कोई हल नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे तीनों बराबर दिखे आपको, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो कोई हल पूछता है तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल आप बता सकते हैं। ठीक है ना, अनेक हल होगा। तो आपको याद हो गया होगा कि ये तीनों नॉट इक्वल टू हो, या दोनों आपस में पहले दोनों नॉट इक्वल टू हो, या तीनों नॉट इक्वल टू हो, तो उसको हम लोग अद्वितीय हल, और ये दोनों आपस में शुरू में आपका बराबर दिखे और उसके बाद वाला नॉट इक्वल टू दिखेगा तो कोई हल नहीं होगा, और ये तीनों अगर बराबर दिखता है तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, रेखा पूछेगा तो ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अभी मैं इसका केवल जरूरत है तो यही आपको बताया। ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख कर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्या आया था, ये दोनों आपस में बराबर था, ये नॉट इक्वल टू, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको देखिए कोई हल नहीं होगा, तो इसको क्या करना था आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि अद्वितीय हल होगा तभी उसको
वज्र गुणन विधि से बनाना है, नहीं तो क्या करना है, छोड़ देना है। तो बस इसका तो कोई हल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरी क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखिए, ये दूसरा समीकरण हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कि हल दिया है समीकरण, इसको लिख दिया गया। अब ए वन का मान कितना हो गया, दो, और ए टू का मान तीन, बी वन का मान एक, और बी टू का मान दो, और यहाँ पर देखिए सी वन का मान, ये बराबर के उस साइड अगर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। सी वन का मान माइनस पाँच और सी टू का मान माइनस आठ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको शर्त में भरेंगे, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, दो बटे तीन, एक बटे दो, माइनस पाँच बटे माइनस आठ। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर भी देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये भी आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, यानी तीनों के तीनों क्या हो रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है और ये भी आपका नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है। तो ये तीनों के तीनों आपका नॉट इक्वल टू दर्शाएगा, तो हम क्या बताए थे आपको कि जब नॉट इक्वल टू दर्शाता है तीनों, तो आप क्या बताएंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो जब अद्वितीय हल होगा तो क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि उसको वज्र गुणन विधि से बनाना है, सोल्व करना है, तो हमने इसको वज्र गुणन विधि से हल कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक सूत्र होता है एक्स बराबर, देखिए इसको सूत्र को याद करने का टेक्निक यानी कि ट्रिक बता देता हूँ। बी सी बी सी लिख दीजिएगा, नीचे ए बी लिख दीजिएगा, 12 21 12 21, ठीक है, बीच में माइनस लगा दीजिएगा, ये सूत्र तैयार, आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र देखिए, बी सी लिख देना है ऊपर, नीचे ए बी लिख देना है, और यहाँ पर 1 2 2 1 यानी कि 12 21 12 21 लिख देना है, ठीक है ना, बीच में माइनस लगा देना है, सूत्र याद। चलिए अब हम इसको भरते हैं, इसमें इसका मान भरते हैं। तो देखिए B1 C2, तो यहाँ पे देखिए B1 C2 का मान यहाँ पे जो दिया गया था, यहाँ पे देखिए B1 का मान 1 और C2 का मान माइनस आठ, तो ये गुणा के रूप में हमने क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने भर दिया। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, B2 C1 का मान भरेंगे, B2 का मान और C1 का मान। तो देखिए यहाँ से हम B2 C1 का, यहाँ पे B2 दो है और C1 का मान माइनस पाँच है, तो वही हमने भर दिया, 2 माइनस 5 गुना में, बीच में माइनस था तो माइनस। यहाँ पे A1 B2 का मान भरेंगे, देखिए यहाँ पे A1 B2 का मान, A1 का मान 2 और B2 का मान 2, 2 × 2 भर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 × 2 भर दिए हैं। अब माइनस है सूत्र में यहाँ पे, तो माइनस। अब यहाँ पे A2 B1 का मान भरे हैं, तो देखिए यहाँ पे A2 का मान 3 और B1 का मान 1, ठीक है, ये भर देंगे 3 × 1, ठीक है। अब देखिए माइनस आठ है कम, माइनस आठ, और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 × 2 = 10, नीचे देखिए 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 3 × 3, अब देखिए 10 में से 8 गया 2, अभी देखिए 4 में से 3 गया 1, और 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आ गया। अब देखिए इसी तरह से अब वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो वाई का मान निकालने के लिए देखिए इसका सूत्र क्या होता है, वज्र गुणन विधि से। देखिए यहाँ पे उसमें क्या लिखे थे आप, याद किए थे ऊपर BC BC, तो इसमें याद करिए CA 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 CA, और नीचे इसमें जो याद किए हैं AB AB, इसमें भी आपको AB AB लिख देना है, ठीक है, और इसमें भी 12 21 12 21 लिख देना है, ठीक है, बीच में माइनस लगा देना है। देखिए यहाँ पे माइनस छोटा है, माइनस लगा देना है, ठीक है। BC BC नीचे AB AB लिखना है Y के मान में, और 12 21 12 21 लिख देना है, बस यही ट्रिक याद रखिए, याद हो गया होगा आपको सूत्र। चलिए अब यहाँ पर मान भरते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, C1 A2, देखिए C1 A2 का मान भरिए यहाँ से, तो C1 का मान माइनस 5 और A2 का मान कितना है, 3, तो माइनस 5 × 3, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस 5 × 3, माइनस है तो माइनस। इसी तरह से यहाँ पे क्या सूत्र फिर दिया गया था, C2A1, तो C2A1 का मान भरेंगे यहाँ से, देखिए C2A1 C2 यानी माइनस आठ आ गुने दो, यही भर देना है, तो -8 × 2, बीच में माइनस था तो माइनस। और AB देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ पे जो मान है यही वाला तो है, तो यहाँ पे जो भरे हैं ये वाला, वही हम यहाँ भी भर सकते हैं आसानी से, भर दीजिए। अब देखिए गुना करिए, तो -5 3 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 16 हो गया, 16 में से 15 घटा 1 हो गया, और देखिए 4 2 × 4, यहाँ 3 × 3, 4 में से 3 गया 1, और 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया ना, अब तक x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया है समीकरण लिख दिया। अब इसको देखिए यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 ये सब C1 C2 आप यहाँ से लिख सकते हैं, A1 का मान 3, A2 का मान 6, B1 का मान -5 और B2 का मान -10,
यहाँ पे देखिए सी वन का मान माइनस बीस इधर आएगा तो, और सी टू का मान माइनस चालीस इधर आएगा तो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद शर्त लगा दिया यहाँ पे, और शर्त लगाने के बाद यहाँ पे मान भरेंगे, तीन बटे छः माइनस पाँच बटे माइनस दस माइनस बीस बटे माइनस चालीस। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे, तीन दूना छः माइनस माइनस प्लस हो गया, पाँच दूना दस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बीस दूना चालीस हो गया, तो एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो, यानी सब बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक बटे दो बराबर एक बटे दो बराबर एक बटे दो, जब मैं बताया था कि तीनों अगर आपको बराबर दिखाई दे तो आप क्या लिखेंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा बस, तो इसका अद्वितीय हल तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बस यही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि ये जो समीकरण है इसको मैंने हल दिया है और इसको लिख दिया, और यहाँ पे a1 a2 का मान लिखेंगे, a1 का मान तीन, a2 का मान, a1 का मान एक, a2 का मान तीन, b1 का मान माइनस तीन और b2 का मान माइनस तीन, c1 का मान माइनस सात और c2 का मान माइनस पंद्रह। शर्त लगा देंगे, यहाँ पे शर्त लगाने के बाद भरेंगे, एक बटे तीन माइनस तीन बटे माइनस तीन माइनस सात बटे माइनस पंद्रह। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तीन से तीन कट जाएगा, तो ऊपर भी एक नीचे भी एक, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक बटे तीन, एक बटे एक, सात बटे पंद्रह, यानी देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं, यानी कि सबके सब क्या क्या है, नॉट इज इक्वल टू दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबके सब अगर नॉट इज इक्वल टू दर्शाता है तो क्या हम बताए थे कि इसका अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको इसको वज्रगुणन विधि से बनाना होगा। तो चलिए वज्रगुणन विधि से हम क्या लिखेंगे, एक्स का सूत्र लिख देंगे, क्या बोले थे, बी सी बी सी लिख देना है, बारह इक्कीस लिख देना है, ए बी ए बी लिख देना है, नीचे बारह इक्कीस लिख देना है, बीच में माइनस लगा देना है, बस यहाँ पे सूत्र भर में अब क्या करना है, मान भर देना है, बी वन सी टू, तो बी वन सी टू का मान यहाँ से भरिए, देखिए यहाँ पे बी वन सी टू का मान आप लिखे हैं ना, बी वन सी टू, तो देखिए यहाँ पे बी वन का मान कितना है आपका माइनस तीन, और सी टू का मान माइनस पंद्रह, तो माइनस तीन गुने माइनस पंद्रह, ठीक है। तो वही हमने माइनस तीन गुने माइनस पंद्रह, बीच में माइनस है तो माइनस बी टू सी वन, तो यहाँ पे बी टू सी वन का मान ये भर दूंगा, तो देखिए कैसे भरा हूँ, बी टू सी वन यानी कि माइनस तीन गुने माइनस सात, देखिए तो वही लिख दिया हूँ। इसी तरह से ए वन ए वन बी टू ए टू बी वन का मान भरेंगे, ठीक है। तो ए वन और बी टू का मान देखिए कहाँ कितना दिया है, ए वन का मान तीन है और बी टू का मान माइनस सॉरी ए वन का मान एक है और बी टू का मान माइनस तीन है, तो एक गुने माइनस तीन, तो वही हमने लिख दिया है, एक गुने माइनस तीन, माइनस है बीच में सूत्र में तो माइनस, और बी ए टू बी वन, ए टू बी वन लिखा है ना, तो ए टू का मान कहाँ से, बी वन का मान कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए ए टू बी वन यानी कि आपका तीन गुने माइनस तीन, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, लिख दिया तीन गुने माइनस तीन। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और पंद्रह तीन पैंतालीस हो गया। अब देखिए ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये तो माइनस बच गया, सत्तर के इक्कीस हो गया, माइनस तीन एकम माइनस तीन, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, तीन तीन नौ हो गया। अब देखिए पैंतालीस में से इक्कीस घटाइएगा चौबीस हो गया, नौ में से तीन घटाइएगा छः हो जाएगा, छः चौके कितना हो गया चौबीस, यानी एक्स का मान आ गया चार। अब इसी तरह से वाई का मान हम क्या बताए थे आपको, सी ए लिख देना था ऊपर, ए बी नीचे लिख देना था, बारह इक्कीस बारह इक्कीस नीचे भी लिख देना था, बीच में माइनस लगा देना था। यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पर मान भरना है आपको, तो ये भी आप देख कर मान आसानी से भर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और भरने के बाद में कैलकुलेशन करिए तो माइनस सत्तर एक इक्कीस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, पंद्रह एकम पंद्रह हो गया, और माइनस तीन एकम माइनस तीन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन तीन नौ हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस इक्कीस में से पंद्रह घटेगा तो माइनस छः, और नीचे भी नौ में से माइनस तीन करिएगा तो यानी कि छः, यानी छः से छः कट गया तो क्या हो गया एक, यानी कि माइनस एक हो गया, ठीक है। तो अतः एक्स का मान आपका चार, वाई का मान माइनस एक, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे तो, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि सभी आपके भी दोस्त इसका लाभ उठा सके, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।